दूरी ना पर दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे शुरू से पढ़ेंगे एकदम बेसिक से जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि दोनों से मिलता जुलता भी क्वेश्चन आता है दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी आता है तो ये सारी चीजों को हम बारी बारी सीखेंगे सी आई इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मतलब है हिंदी में कि चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज है ये हिंदी में इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा कंडीशन है आप जान रहे हैं कि एक वर्ष तक का सी आई और एस आई समान होता है एक वर्ष तक का सी आई और एस आई समान होता है मैंने आपसे कहा है कि हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे छोटी छोटी चीज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए दोस्तों एक वर्ष तक का सी आई और एस आई समान होता है यानी कि अगर मान लीजिए कि रेट हो 5% और टाइम हो एक वर्ष और एस आई निकालना हो तो कितना होगा एस आई बराबर आपको याद है आर इंटू टी मैंने बताया था एस आई बराबर होता है आर इंटू टी और ये प्रतिशत के लिए प्रतिशत ब्याज के लिए ठीक है तो 5 × 5% तो एक वर्ष का जो परसेंटेज ब्याज हुआ ना एक वर्ष का जो एसआई हुआ वो सीआई के बराबर ही होगा एक साल में सीआई भी 5% ही होगा याद रहे और रेट भी कितना है 5% ही है इसका मतलब सीआई एसआई और रेट एक वर्ष का सब समान ही होता है हाँ अब देखिए दोस्तों होता क्या है एसआई के केस में कंडीशन ये होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज समान होगा जबकि सीआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है सीआई के केस में इस साल अगर मान लो कि 5000 रुपये आपने कर्ज में लगाया और 500 रुपया ब्याज आया एक साल में तो दूसरे साल 5000 + 500 यानी 5500 पर ब्याज चलेगा तो बताइए ब्याज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा यानी अगला साल ब्याज कुछ और हो जाएगा तो याद रहे सीआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज असमान होता है इस बात को याद रखना है कि सीआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज असमान होता है यानी कि अलग अलग होता है मतलब अगर मान लो हमने 5000 रुपये इस बार कर्ज में लगाए हैं और ब्याज आया 500 तो अगला साल से ये 5500 पर ब्याज चलेगा और इस बार मान लेते हैं कि ब्याज आ गया 600 तो अगला साल 5500 × 600 पर ब्याज चलेगा तो हर बार क्या हो रहा है एक बार मूलधन 5000 था फिर अब चलेगा 5500 हो गया अब 5500 पर ब्याज चला 600 फिर हो गया तो अगला साल मान लो 6100 पर चलेगा ऐसे होता है सीआई के केस में लेकिन एक वर्ष तक का सीआई एसआई समान होता है अब उस बात को याद रखने से क्या फायदा कि एक वर्ष तक का सीआई और एसआई समान होता है अगर आपको एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे दें कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज कितना होगा दोस्तों आप क्या कहोगे आप सीधा कहोगे कि 5% ही होगा अच्छा इसमें रुपया में ही बताना नहीं है आपको प्रतिशत में भी बताना हो सकता है इस सवाल में कहीं रुपया दिया हुआ है नहीं तो आप सीधे कहेंगे कि एक वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर ही होता है यानी 5% ही होगा साधारण ब्याज होता तब भी 5% चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो भी 5% तो एक वर्ष का सीआई या एसआई दर प्रतिशत के बराबर ही होता है अब बात रहा कि सर 2 साल रहेगा तब तो ध्यान देंगे अब यहां पर लिखेंगे हम फॉर 2 ईयर यानी 2 साल के लिए क्या करेंगे अगर 2 साल का आपको सीआई निकालना है तो याद रहे पहला काम रेट का स्क्वायर करना है और दशमलव दो अंक के बाद पहला काम रेट का स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद अब प्लस एसआई ये करना है आपको अब आप कहेंगे ये कैसे तो देखिए अगर रेट है चलिए सपोज कीजिए कि रेट 5% और टाइम 2 वर्ष हो और आपको निकालना हो सीआई पहला काम रेट का स्क्वायर 5² = 25 दशमलव दो अंक के बाद और अब एसआई लिखना है तो एसआई बराबर आर इनटू टी याद रहे दोस्तों हमेशा एसआई बराबर आर इनटू टी इसलिए हम पहले साधारण ब्याज पढ़ाए हैं नहीं पढ़े हैं तो पहले साधारण ब्याज पढ़िए तब पढ़िएगा चक्रवृद्धि ब्याज अंतर समझ में नहीं आएगा पहला काम रेट का स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद 5² = 25 दशमलव दो अंक के बाद प्लस एसआई एसआई यानी आर इनटू टी यानी 5 × 10 अब 10 और इतना को जोड़ेंगे 10.25% हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो भी मूलधन होगा उसका 10.25% दोस्तों आगे हम आपको रेशियो मेथड से भी पढ़ेंगे वो भी चीजें बताएंगे और कुछ बेसिक रूल से भी चलेगा लेकिन इसका यूज कहाँ होगा अब डायरेक्ट आपसे कहे 5% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा तो क्या करोगे डायरेक्ट ये प्रतिशत नहीं तो निकल गया चलिए आइए अब अगर सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ हो रेट 2% टाइम भी 2 वर्ष और आपको निकालना हो सी आई तो पहला काम रेट का स्क्वायर 2² = 4 लेकिन दशमलव दो अंक बाद देना है और प्लस एस आई तो एस आई आर इन टू टी यानी 2 × 4 बस ऐसे ही लिख लीजिए यानी आपका तैयार है आंसर तैयार है 4.04%। देखिए अगर आपको दे दे रेट 8% टाइम रहे 2 वर्ष और आपसे कह दे कि सी आई कितना प्रतिशत होगा कहिएगा रेट के स्क्वायर 2 अंक के बाद 8² हुआ 64.2 अंक के बाद प्लस एस आई तो एस आई 8 × 16 बस हो गया 16.64% ये हुआ जो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा ये चीज़ें क्या करना है आपको याद रखना है कि 2 वर्ष के लिए सी आई लेकिन 2 ईयर के लिए कितना फॉर 2 ईयर ठीक है फॉर 2 ईयर सी आई बराबर पहला काम रेट के स्क्वायर 0.2 अंक के बाद प्लस एस आई यही काम करना है ना यानी अगर रेट हम 12% दे देते हैं टाइम दे देते हैं हम 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं फिर 3 वर्ष बताएंगे सुनिए और निकालना हो सी आई
तो 12 के स्क्वायर 144। तो दोस्तों एक बार सीखिए, 144 ऐसे होता है दशमलव दो अंक बाद प्लस एस आई, तो 12 दुना 24। अब क्या करोगे, 24 आई एक जोड़ दोगे, 25.44% हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और थोड़ा जल्दी भी आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे ये ध्यान दीजिएगा। अगर हमें निकालना था दो बरस का सी आई, 12 के स्क्वायर 144, तो दो अंक लिखते, हासिल एक ले लेते, 144 के 44 हासिल एक, अब 12 दुना 24 हासिल वाला एक 25, यानी हो गया हमारा सी आई 25.44%। अब ऐसे याद रखने से आपको क्या कहेगा क्वेश्चन, ये देखिए एक क्वेश्चन हम प्यारा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपसे कहे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। ये कीड़ा सभी कमाल का है। चलिए कितना अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। कोई भी मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही अधिक होता है जितना कि ब्याज होता है। तो दोस्तों अगर रेट है, ध्यान दीजिएगा, अगर रेट है आपका 8%, ठीक है, और टाइम है आपका दो वर्ष, तो मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा जितना कि ब्याज होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चर्चा हुआ है, तो सीआई ही निकालेंगे। 8 के स्क्वायर लिखेंगे 64.2 अंक बाद अब एसआई, 8 गुना 16, यानी 16.64% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई झंझट नहीं। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों दो वर्ष के सीआई तथा एसआई में अंतर। अच्छा घबराइएगा नहीं, हम आपको दशमलव वाला भिन्न वाला भी दर देंगे, जैसे 2.5% 3.5% उसका भी हम काम करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं इसमें सीखिए, सब अभी बेसिक बात हुआ हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको याद होगा कि सीआई निकालने के लिए दो साल के लिए पहला काम रेट का स्क्वायर, और क्या करते हैं दशमलव दो अंक बाद देते हैं, दशमलव कहाँ देते हैं दो अंक बाद देते हैं, रेट का स्क्वायर दशमलव दो अंक बाद प्लस एसआई। और याद रहे काम हम इधर से ही करते हैं। अब एक बात बताइए आप जरा कि दो बरस के सीआई से अंतर निकाला है, तो दो बरस के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था, इसी एसआई को इधर बुला देंगे तो सीआई इधर है माइनस एसआई हो जाएगा, अब बराबर कौन बचेगा, रेट के स्क्वायर केवल बचेगा, और दशमलव दो अंक बाद, यही होगा ना, रेट के स्क्वायर दशमलव दो अंक बाद। यानी कि एग्जांपल अगर मान लीजिए कि रेट आपका 5% हो और टाइम दो वर्ष हो, तो सुन लीजिए सीआई और एसआई का अंतर जो होगा रेट के स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद, केवल 5 के स्क्वायर कर लीजिए 25 और दशमलव दो अंक बाद हो गया, यही आएगा 0.25% का हो जाएगा सीआई एसआई का अंतर, बस रेट के स्क्वायर दशमलव दो अंक बाद, याद रहे रेट के स्क्वायर दशमलव दो अंक बाद। अगर मान लो रेट है 10%, टाइम है दो वर्ष, और आपको निकालना है सीआई एसआई का अंतर, तो इसमें देखिए रुपया का चर्चा नहीं है, आप प्रतिशत में ही निकालेंगे, 10 के स्क्वायर 100 होता है दशमलव दो अंक के बाद, बस यानी कि हो गया 1% का अंतर, हाँ रेट के स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद, यानी 1% का अंतर होगा 10% की दर से। अगर इसी सवाल में मूलधन दिया होता, मान लीजिए कि 500 रुपया या 5500 रुपया दिया हुआ है, और आपसे कहता है कि बताइए 10% की दर से दो वर्ष में सीआईएस का अंतर कितना होगा, तो 1%, यानी कि अगर इसी को हम रुपया मिलाएं तो जो हमारा मूलधन रहेगा 5500, उसी का 1% ना, तो परसेंट से 20 कट गया, यानी 55 रुपया का अंतर हो जाएगा सीआईएसआई में, ये बात है। आइए दोस्तों एक चीज़ समझिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसा रह सकता है, आपको ऐसा दे देगा, कहेगा पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5%, यहाँ क्वेश्चन है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में सीआई तथा एसआई का अंतर 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में सीआई तथा एसआई का अंतर 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। अभी आपने देखा है कि जब सीआई एसआई का अंतर हमको पता है, हमें पता है कि सीआई और एसआई का अंतर इस सवाल में 25 रुपया का, तो क्यों ना हम प्रतिशत में भी सीआईएसआई का अंतर निकालें, तो 5% की दर से रेट के स्क्वायर और दशमलव दो अंक के बाद इतना ही प्रतिशत का सीआईएसआई अंतर होगा ना दो साल के लिए। अब जबकि दो साल के सीआईएसआई का अंतर है 25 रुपया का, अब हम निकाल देंगे 100% का मान, तो चूंकि ये था 0.25% का मान 25, 100% का मान कितना, तो 25 बच्चा में 0.25 गुना हो जाएगा हमारा 100। दोस्तों अगर इस दशमलव को हटाना है तो 2 जीरो और ऊपर चढ़ा देंगे, 25 से 25 एक बार में, यानी 1 से जब गुना होगा तो बस हो जाएगा वही 10,000, 10,000 के 10,000 हो गया, ये हो गया आपका मूलधन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं दोस्तों फॉर 3 ईयर, 3 साल रहेगा तो क्या करेंगे, तो 3 साल के लिए फॉर्मूला है सीआई निकालना हो तो पहला काम रेट का क्यू, दूसरा काम है एसआई गुने आर, ठीक है, अब दशमलव देना है और लास्ट में लिखना है एसआई, और ये भी काम होगा इधर से, लेकिन इसको और इसको दोनों को दो दो अंक में लिखना है। चलिए दोनों को कैसे लिखना है, दोनों को दो दो अंक में लिखना है, जैसे देखिए अगर रेट 4% हो, टाइम
तीन वर्ष हो तो CISI का अंतर कितना प्रतिशत का होगा, इसको जब प्रतिशत मिलाना रहे तो हम इसी सब का यूज करेंगे, आराम से काम हो जाएगा। देखिए पहला काम रेट का क्यू, चार का क्यू लिखना है 64, 64 दोनों का होता है तो पूरा लिख दिए। दूसरा काम SI गुणियार, और आपको याद है कि SI बराबर होता है R × T, तो R × T SI हुआ, और आपको पता है SI गुणियार यानी R एक बार दो बार R एक बार T का गुना, दो बार R और एक बार T का गुना है ना, SI गुणियार था तो SI बराबर होता है R × T, तो SI हो गया R × T एक बार और R से गुना ये वाला। तो दोस्तों पहला काम रेट का क्यू, चार का क्यू 64 हो गया, अब दो बार आर और एक बार टी, दो बार आर तो 4×16, 16×3 48 दो अंक है तो दो अंक लिख दिए। अब दशमलव, अब SI लिख लीजिए, SI कितना तो 4×3 12, SI बराबर होता है R × T, यही हो गया इतना प्रतिशत होगा CISI का अंतर। अगर 4% की दर से 3 साल के लिए निकालते हैं तो 12.04864% आपका CISI का अंतर होगा। एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, आपको फिर से बताते हैं दोस्तों, अगर रेट 3% हो चाहे 3 वर्ष हो तो CISI का अंतर क्या होगा। पहला काम रेट का क्यू, 3 का क्यू 27 हो गया। अब दूसरा काम है, यहाँ पर दूसरा काम है SI गुणियार, यानी कि SI में R × T है तो दो बार R यानी 3×9 9×9 27, फिर 27 लिखा जाएगा दो अंक, अब SI यानी 3×9 यानी ये हो गया CISI का अंतर। ठीक बात, आगे चलिए, आगे दोस्तों अगर रेट 5% हो टाइम 3 वर्ष हो तब CI कितना होगा। पहला काम रेट का क्यू, 5 का क्यू 125, 125 के 25 लिखेंगे क्योंकि इसको इसको दोनों को दो दो अंक लिखना है, 5 का क्यू होता है 125 तो 25 लिखेंगे, हाँ सी लिखो। अब दो बार आर तो 25, 25 TI 75 का है कि दो बार आर एक बार टी, R × R × T ऐसे गुना होगा SI गुणियार हो गया, SI गुणियार तो देखिए दो बार आर 25 75 हासिल वाला एक 76 होगा। अब दशमलव आ गया, उसके बाद SI तो 5×3 15 यानी इतना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, CI बराबर 15.7625%। अभी जो भी परसेंट में हमको निकालना है उसके लिए हम काम करते हैं, आगे कुछ और हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो ये याद हुआ या नहीं याद हुआ, चलिए एक बार एक सवाल और लेकर देखते हैं और चाहेंगे कि आप लोग उसे पहले बनाएं। अगर मान लीजिए रेट 6% है और टाइम 3 वर्ष है तो क्या होगा, CI बराबर क्या होगा। पहला काम 6 का क्यू 216 के हम 216 नहीं लिखेंगे, दो अंक लिखेंगे ना, 6 का क्यू 216 तो 16 लिखेंगे, हासिल दो, 36 TI 108 है दो 110, 110 के 10 लिखाएगा, 10 लिखाएगा हासिल एक। अब यहाँ दशमलव आ जाता है, वो दशमलव इधर आ जाएगा, दशमलव के बाद SI तो 36 18 1 19। चलिए एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, पहला काम 6 का क्यू 216, 216 के 16 हासिल दो, दूसरा काम SI गुणियार यानी दो बार आर और एक बार टी, 36 3 108 2 110 के 10 लिखेंगे हासिल एक, और दशमलव दे देंगे, यहाँ था SI गुणियार उसके बाद दशमलव था SI था, CI निकालने के लिए ये था फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, 36 18 हासिल वाला 1 19, ये हो गया CI निकालने के लिए इतना प्रतिशत, ये हो गया 19.1016%। दोस्तों इस पर एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना होगा तब जाके ये पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर मान लीजिए कि आपको 3 वर्ष के CISI का अंतर निकालना है फॉर 3 ईयर, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष के CI तथा SI में अंतर, 3 वर्ष के CI तथा SI में अंतर कैसे निकालेंगे तो सुनिए, पहले तो आपको फॉर्मूला याद है CI के लिए, पहला काम रेट का क्यू, दूसरा काम था SI गुने R, तीसरा काम था दशमलव देकर इधर SI, और यह सारा काम इधर से होगा। एक चीज़ और था, इसको और इसको इन दोनों को दो दो क्या था दो दो अंक में लिखना है, आइए लिखना है। तो सबसे पहले अगर रेट, हाँ हमें ये नहीं, हमें तो निकालना है ये कि अगर अंतर रहेगा तब क्या होगा, तो यही SI को इधर बुला लीजिए तो CI माइनस SI हो गया, जो उधर बच गया दशमलव, उसके बाद जो काम है SI गुने R और एक काम है रेट का क्यू, और काम वही इसको भी लिखना है दोनों को दो दो अंक में, दोनों को दो दो अंक में। अब यहाँ जीरो लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए, बस हो गया। आइए एक चेक कर लेते हैं बना कि आया कि नहीं, रेट अगर 4% हो टाइम अगर 3 वर्ष हो और हमें निकालना हो कि CISI में अंतर कितने प्रतिशत का। पहला काम रेट का क्यू, तो 4 का क्यू हुआ 64, दो अंक लिख देना है। दूसरा काम है SI गुणियार, तो यानी कि R दो बार, 4×16 16×3 48 48 है तो 48 ही लिखाएगा और कोई हासिल है नहीं, दशमलव हो गया इधर जीरो, बस यही हो गया आपका आंसर। आइए अब एक बार हम और चाहेंगे कि आप इसको इस तरह के सवाल को और करके देखें, जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद हुआ CI और SI का अंतर ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए पावर रेट का क्यू पहला, रेट का क्यू दूसरा काम है SI गुणियार, तो SI गुणियार का मतलब है कि एक बार हम लिख ही देते हैं इस बार कि R × R × T, ठीक है, और दशमलव दे देना है, इसमें से और इसमें से जो वैल्यू आएगा दोनों को दो दो कितने दो दो अंक में लिखना है, अंक में लिखना है। आइए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अगर रेट इस बार 5% दे दूं, टाइम आपका 3 वर्ष हो जाए और पूछे कि CI SI का अंतर क्या होगा, तब पहला काम आप करेंगे रेट का क्यू, 5 का क्यू 125 के 25 हासिल एक रहेगा, फिर दो बार आर 25 TI 75 हासिल वाला एक 76, बस हो गया, अब नहीं इधर कोई हासिल आ रहा है, बस हो गया यानी यही। चलिए अब अगर इसको मिटा लेते हैं, देखिए अगर रेट 10% हो टाइम 3 वर्ष हो और आपको निकालना हो CISI में अंतर, क्या करेंगे पहला काम 10 का क्यों करेंगे 1000 में 2 जीरो लिख लेंगे, 10 हासिल रखेंगे क्योंकि दोनों को दो दो अंक लिखना है। अब दो बार आर तो 100, 10×100 100 TI 300 क्योंकि आर की जगह 10, फिर आर की जगह 10 आएगा
ठीक है जगह तीन, तो दस दहाई के सौ, सौ गुने तीन, तीन सौ, तीन सौ दस जोड़ कर हुआ 310, तो दो अंक लिखना है 10, दशमलव देना है, हासिल वाला जो तीन बचा वो इधर आ जाएगा, यानी आपको 3.1% का अंतर प्राप्त हुआ। ठीक है सी आई एस आई में बस 3.1% देख लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बेसिक क्लास को यहीं तक रखते हैं, एक क्लास और इसका बेसिक पढ़ाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास। पहले क्लास में बहुत बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया था, पहला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी क्लास को अगर सीरियल वाइज नहीं देखेगा कोई भी चैप्टर में तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए शुरू से देखना, एकदम छोटा छोटा बात बताते हुए हम सारी बातें आपको समझाएंगे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपसे, वो बात ये करने वाले हैं कि आपको याद होगा साधारण ब्याज में कुछ चीजें हमने आपको बताया था और साधारण ब्याज से रिलेटेड ही आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी घुसेंगे। तो बात मैंने क्या बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा, बात यह था कि अगर परसेंटेज ब्याज मालूम रहता था तो रेट से भाग देने पर टाइम मालूम होता था, टाइम से भाग देने पर रेट मालूम होता था। और गुना गुनी वाला सवाल था जिसमें हम एक डाटा को याद करवाए थे, डाटा हमारा ये था दोस्तों, डाटा ये था कि कोई धन धन हो गया और इधर लिखे थे प्रतिशत ब्याज, शायद ये आपको याद होगा, सुनिएगा ये सिंपल इंटरेस्ट का ये कुछ पॉइंट बताना जरूरी है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम इसी पर आधारित काम करेंगे कि कोई धन हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई धन दो गुना हो गया इसका मतलब है कि 100% ब्याज हो गया, है ना। कोई धन अगर डेढ़ गुना हो गया इसका मतलब है एक हटा दिए 50% ब्याज हो गया। आपको मैंने बताया था एक हटा के और 100 सटा के बोलना है, एक हटा के और 100 सटा के बोलना है। जैसे कोई धन अगर ढाई गुना हो गया, इसमें एक हटा दीजिएगा डेढ़ बचेगा, तो डेढ़ नहीं बोलना है, डेढ़ 100% बोलना है, डेढ़ 100% बोलना है। अगर 3.5 गुना हो रहा है तो 3.5 में एक हटा दीजिए, 250% ब्याज होगा। अगर कोई धन 4 गुना हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पता हो गया कि 300% ब्याज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया था। अब सोचिए ना, कोई धन दुगुना होने का मतलब अगर 100 रुपया आप लगाते हैं मूलधन और दुगना हो गया मतलब 200 हो गया मिश्रधन, तो ब्याज कितना आया भैया, 100 रुपया 200 होने के लिए ब्याज आ गया 100 रुपया, ये 100 रुपया कितना प्रतिशत है, तो 100 रुपया ब्याज आया है 100 रुपया मूलधन पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 100 से 100 एक बार में कटा तो बोलिए 100% ब्याज हुआ ना, यानी धन जब दुगना हुआ तो ब्याज कितना आया 100% आया। ये बातें हैं। अब एक बात और था हमारा, एक बात और क्या था आपको याद होगा कि SI बराबर हमारा था R×T और ये था हमेशा प्रतिशत ब्याज के लिए, ये प्रतिशत ब्याज के लिए, यही बात था ना। मैंने आपको बताया था कि अगर रेट 5% हो और टाइम 3 वर्ष हो तो आपको पता है कि परसेंटेज ब्याज क्या होता है, 5-15%, ये सारी चीज़ें पर हम चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में दोस्तों। और अगर यही 15% परसेंटेज ब्याज है, इसमें अगर टाइम से भाग दे देंगे तो 5% आ जाएगा, वो रेट आ जाएगा, है ना। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देंगे तो रेट मालूम, और रेट से भाग देंगे तो टाइम मालूम, यही तो होता है। आगे देखिए, अब अगर कोई धन दुगना हो गया तो ये बात समझें, अब यही चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ सवाल होगा, जो दुगना होगा, तीगुना होगा, ढाई गुना होगा, 2.5 गुना होगा, ऐसा वाला सवाल आएगा आपके सामने। उस समय क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को जरा समझने का प्रयास करिएगा और आसानी से आपको समझ में आएगा जब मैं समझा रहा हूं। तो आइए हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में, अच्छा इस चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम आपको एक साधारण ब्याज का सवाल कर लेते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए ऐसे कहता है कि पाँच वर्ष में साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी डेढ़ गुनी हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज, सॉरी यहाँ पर प्रतिशत ब्याज नहीं कहेंगे, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी डेढ़ गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। डेढ़ गुना हुआ है, ध्यान देंगे, अगर डेढ़ गुना हुआ है तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा भैया, डेढ़ बोला है एक हटा लीजिए 50% कहिएगा, और परसेंटेज ब्याज आपको पता है, आपको रेट पूछा है तो यही बताए थे, परसेंटेज ब्याज में अगर टाइम से भाग दे दीजिएगा तो रेट मालूम हो जाएगा, वो 10% हो गया। अब 10% की दर से 5 साल में 10-50% ब्याज हो ही जाएगा, ये बात था। अब देखिए जरा, अब अपने सामने जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सबसे पहले तो इस बार जो सवाल है हमारा, मैं एक को मिटा दूं जरा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। पहला पता, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 2.25 गुना हो जाता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होती तो ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। जब भी ऐसा हो ना कि आपसे ये कहे कि 2 साल में हुआ, 1.5 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, ये आपको देखना है 2 वर्ष में हुआ, आपको दिया है 2 वर्ष में कितना, जानते हैं 2 वर्ष में 2.25 गुना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 वर्ष का क्या होगा, तो 1 वर्ष का जो वो धन हो जाएगा, एक निश्चित राशि से 2 वर्ष में अपने का 2.25 गुना हो गया, यानी अगर 100 रुपया रहा होगा तो 225 हो गया, ये मिश्रधन हो गया है, इतना गुना हो गया, इसको आपको क्या लिखना है, 2.25 है ना, 2 साल में हुआ है तो पावर 1/2, 3 साल में हो तो पावर 1/3, 4 साल में हो तो पावर 1/4, 5 साल में हो तो पावर 1/5, ठीक है बस। अब ये हो गया आपका 15, यानी और बीच में 10, यानी 1.5, 225 के वर्गमूल 15, 2.5, यानी कि वो 1 साल बाद डेढ़ गुना रहा होगा, तो 1 साल बाद अगर डेढ़ गुना रहा होगा तो आप बताइए कि कोई धन अगर डेढ़ गुना हो जाए, ये 1 साल का निकल गया, और याद रहे 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है,
अगर एक वर्ष का निकल गया तो इस धारणा ब्याज के नियम पर है, तो डेढ़ गुना होने का मतलब है कि ब्याज कितना होना, 50% होना, यानी एक ये हो गया 50%। ओह थोड़ा सा कीड़ा है जो परेशान कर रहा है। चलिए डेढ़ गुना यानी कि ब्याज है कितना 50%। और दोस्तों इस बात को याद रखना है कि एक वर्ष का ये परसेंटेज ब्याज दर के बराबर नहीं होता है। आपको हम ये सारी चीजें बता रखे हैं कि एक वर्ष कुछ किराया जो होता है और लाइट की वजह से और जिसकी वजह से बोर्ड पर आके वो खुद लिख के चला जाता है, खर्च हम किए हैं लिखा वो है। एक वर्ष का एस आई सी आई एवं दर प्रतिशत समान ही होता है। मतलब एक वर्ष का सी आई एवं एस आई जो होता है ना किसके बराबर होता है, 10% के बराबर होता है। अगर मान लीजिए रेट है 5% और टाइम है एक वर्ष, ठीक है ना, और आपको निकालना हो एस आई फिर निकालना हो सी आई और रेट तो आपको पता ही है, तो एक वर्ष में 5 एकम 5% होगा एस आई आरिंग टूटी और सी आई भी 5% होगा क्योंकि अगला साल से ना चेंज होगा। तो एक वर्ष का अगर आप परसेंटेज ब्याज पता कर लिए तो दर के बराबर ही होगा, चाहे वो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज क्यों ना हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ना हो प्रतिशत में, चाहे एक वर्ष का साधारण ब्याज क्यों ना हो प्रतिशत में, एक वर्ष का जो ब्याज होगा एक वर्ष का परसेंटेज ब्याज हमेशा दर के बराबर ही होगा। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपने का 512/162 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक संयोजित हो, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आइए तो इस सवाल में हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दोस्तों एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपने का 512/162 हो जाता है, कितने साल में, 4 साल में। अच्छा ऐसा डाटा यहां पर जरूर रहेगा जो डाटा आगे हल हो सकता है। ये 4 साल में कितना हो गया है 512/162, इसका यह मतलब है कि यह मूलधन है, सॉरी ऊपर निश्चित धन नीचे मूलधन है, यानी 162 रुपया था 512 हो गया। अच्छा इसको काटते हैं तो आधा ऊपर हो जाएगा 512 का आधा 256, 162 का आधा हो जाएगा 81, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4 साल का 256/81 है। अगर आप चाहते हैं केवल एक साल का निकालना तो याद रखिएगा ये 256/81 है ना, और ये कितने दिन का है 4 साल का, तो पावर 1/4 लिखिएगा, 1/4 3 साल है तो 1/3 एक साल मिलाना है तो, और 5 साल का है तो 1/5। सुनिए अब ये 256 4 के पावर 4 होता है, 3 के पावर 4 होता है, यानी 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 4/3 बार होगा तब हो जाएगा 256 नहीं समझे, यानी वर्गमूल के वर्गमूल बनेगा, 1/4 का मतलब वर्गमूल के वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल 16 उसका वर्गमूल 4, 1/4 का मतलब है 1/2 गुना 1/2 यानी 1 बार वर्गमूल फिर वर्गमूल। ये देख लीजिए यहां पर अगर आपको हम दिखाना चाहें तो देखिए 256 है अब 81 है और इसका पावर 1/4 है तो 1/4 ठीक, चाहो तो आप इसको यहाँ 1/2 और फिर 1/2 लिख सकते हो, ऐसे ये हो जाएगा 1/2 गुना 1/4 और 256 का आएगा 16, 81 का आएगा 9, एक होता है पावर 1/2 बचा है और फिर 16 का आएगा 4 और 9 का आएगा 3, ये बात है। अब देखिए एक साल का आ गया 4/3 भाग, अब 4/3 भाग ये हो गया धन 4/3। अब 4/3 का क्या मतलब है जानते हैं, ये 4/3 का मतलब है कि 4 मिश्रधन एक साल का तो मूलधन 3 था, तो ब्याज कितना हुआ 1, मूलधन 3 मिश्रधन 4 तो ब्याज 1, कितना पर 3 पर, 100 से गुना कर दिया जाएगा प्रतिशत में, यानी कि हो जाएगा 33.33%। लीजिए ये हो गया हमारा और ये हुआ एक साल का परसेंटेज ब्याज। सुनिए ये एक साल का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर ही होता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज, बार बार मैं यही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा और देखिए इसको भी बुला लेते हैं यहां पर और देखिए क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। दोस्तों थोड़ा सा सवाल अब चेंजिंग हो गया, तिमाही का चर्चा हो गया, तो एक चीज हम आपको पहले पढ़ाना चाहेंगे, इस सवाल को अभी नजरअंदाज कीजिए आप, चाहे तो हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं ठीक है, क्योंकि ये तिमाही पचमाही अठमाही नौमाही वाला सवाल होगा ना, यानी संयोजन वाला सवाल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, संयोजन कहेगा ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है, संयोजन का मतलब होता है छमाही संयोजन का मतलब होता है कि ब्याज 6 महीना में जुड़ जाएगा मूलधन पर, इसका ये मतलब होता है। दोस्तों तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मच्छर परेशान कर रहे हैं हमें, तो जब ब्याज जब भी संयोजन वाला जाए, सवाल संयोजन वाला और कहेगा कि 6 माही ब्याज संयोजित होता है, तीन माही संयोजित होता है, पचमाही संयोजित होता है, 4 माही संयोजित होता है, ऐसा बोलेगा, 7 माही संयोजित होता है, ऐसा जब भी आ जाएगा ना तब क्या करना है, सुन लीजिए सवाल को बनाते टाइम रेट और टाइम पर ध्यान आपको देना है। 6 माही हो गया तो एक साल में कितने बार 6 माही होगा, 2 बार, तो रेट में कर देना 2 से भाग और टाइम में कर देना 2 से गुना तब बनाना सवाल। अगर मान लो कोई सवाल में रेट आपको 10% दे रहा है, टाइम आपको 1 वर्ष दे रहा है और कहता है कि ब्याज 6 माही संयोजित है, ब्याज 6 माही संयोजित है, तो क्या करना, रेट में 2 से भाग कर देना 5% और टाइम में 2 से गुना कर देना, क्योंकि 6 माही साल भर में 2 बार होगा। अब ये 2 वर्ष और सवाल बनाइएगा इसको लेके, 2 वर्ष को लेके और 5% को लेके, समझिएगा कि हमारा 5% वार्षिक चलेगा और 2 वर्ष के लिए चलेगा, इससे बनाना है सवाल ठीक है। आइए अच्छा 2 कहां से, सॉरी ये गलत हो गया, 2 से गुना करना है, टाइम में 2 से गुना, रेट में 2 से भाग, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात आपकी 2 कहां से आया, तो देखिए 12 महीना होता है, 6 माही कई बार 6 से भाग दिए तो 12 को 6 से काट दिए 2 आया, इसलिए भाग 2 से और टाइम में 2 से गुना। 3 माही है तो 3 माही सीधा सीधा आप जानते हैं कि 4 बार होगा, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, तो भाग दे देना है 4 से रेट में और गुना करना है 4 से टाइम में। रुक जाइए 5 माही तो 5 माही कई बार, ये पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि 12 को जब 5 से काटेंगे तो कितना बार नहीं पता, पूरा नहीं आ रहा है, तो भाग लगा देंगे 12/5 से और गुना भी कर लेंगे 12/5 से, अब जो नया रेट टाइम आएगा उससे सवाल बनाएंगे।
चरमा ही पूरा पता हो जाएगा हमको, क्योंकि 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, पूरा कट रहा है, यानी कि 3 से रेट में भाग होगा, अगुना होगा 3 से टाइम में। सातवां ही सीधा 12 बटा 7 से भाग होगा, अगुना होगा 12 बटा 7 से, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए चलिए, अच्छा ये सवाल से पहले का सवाल हमें चलना है, चलिए सवाल हमारे सामने कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625 बटा 256 गुना हो जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर क्या करें। अच्छा ये देखिए, यहाँ धन जो हो जाता है एक वर्ष में अपने का, अच्छा तिमाही बोला है, देख लीजिए साफ साफ तिमाही का चर्चा हुआ है, एक साल में तिमाही कितने बार होता है, पहले तो आपको टाइम दिया हुआ है दोस्तों, टाइम दिया हुआ है एक वर्ष दिया हुआ है ना, और रेट नहीं पता हमको। ऐसे सवाल में हमको क्या करना होगा कि टाइम एक वर्ष दिया है, रेट हमको नहीं पता कुछ भी किया है, लेकिन अगर तिमाही का चर्चा हुआ है तो तिमाही होगा 4 बार, तो टाइम में 4 से गुना करेंगे और रेट में 4 से भाग देंगे, याद रखिएगा बाद में काम करेंगे, यानी अब जो सवाल बनेगा वो रेट में 4 से भाग होकर बनेगा, रेट में 4 से भाग होकर बनेगा, यहां रहता हम भाग कर लेते, लेकिन उसको तो निकालना है हमें, ये बात हम फिर से पूछेंगे लास्ट में, 4 से हम भाग दे लेते, टाइम में 4 से गुना रेट में 4 से भाग, यानी हमको अब 4 वर्ष का बचाना है, 4 वर्ष का जो रेट रहता है उसमें 4 से भाग दे, रेट नहीं पता है तो किसको भाग दे, लेकिन देखिए रेट पूछा है तो सुनिए, यानी इस सवाल जो बन रहा है टाइम में 4 से गुना होकर बन रहा है और रेट में 4 से भाग होकर बन रहा है, ऐसे समझना है। अब धन जो हुआ है भैया वो 4 वर्ष में हुआ है, कितना जानते हैं, 625 बटा 256, ठीक है, ये 4 वर्ष में हुआ है, तो एक वर्ष में कितना हुआ होगा, तो एक वर्ष में करने के लिए 625 बटा 256 इसका पावर हमको 4 साल का था ना, 4 साल का था तो पावर 1/4 चलाना होगा, तो 625 5 के पावर 4 625 यहां 4 के पावर 4 256 यानी 5 बटा 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल फिर वर्गमूल 5 बटा 4 आ जाएगा। अब ये 5 बटा 4 हो गया यानी वो धन 5 बटा 4 एक साल में होगा, 4 साल में 625 बटा 256 हुआ था, मतलब 256 रुपया हो जाता है 625 4 साल में, लेकिन एक साल में 4 रुपया 5 रुपया हो पाता है, तो दोस्तों ये प्रतिशत ब्याज कितना हुआ, प्रतिशत ब्याज बताइए ना जरा, सुनिए कैसे, यह है मिश्रधन आपको कि 5 बटा 4 हो जाता है, तो ब्याज 1 4 पर और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो 4 से काटे कितना बार में 25 बार में, तो 25% आया। अच्छा आप लोग इसी को मार दीजिएगा आंसर, ये परसेंटेज ब्याज भले ही एक साल का आया है तो इधर हुआ, लेकिन इस सवाल का कंडीशन था कि टाइम में पहले भाग हो, टाइम में गुना हुआ है 4 से और रेट में भाग हुआ है 4 से, तो 4 से भाग होने के बाद ही हुआ है 25% इधर हुआ, क्योंकि एक साल का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर ना, कई बार बता चुके हैं, तो एक वर्ष का निकल के आया परसेंटेज ब्याज इधर के बराबर हुआ, लेकिन पहले तो टाइम में 4 से भाग हुआ रेट में, सॉरी टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भाग, तो भाग होने के बाद 25 हुआ, अगर रियल पता करना है तो वो रेट होगा जब इसमें 4 से गुना करिएगा, यानी 25% रहेगा तब, यानी कि 100% रहेगा तब जाके 256 रुपया 625 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जब भाग होकर बना था तो वापस लाने के लिए हमें गुना करना होगा। आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं क्या कहता है सवाल, का कहना है 4704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5766 रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करें। अच्छा ये 2 साल में हुआ है, इतना रुपया का धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, ये मूलधन है ये मिश्रधन है, तो हम लिखेंगे कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, ई धन हो गया इतना, यानी 5766 अब हो गया है, पहले कितना था 4704 ही था, ठीक है, ये 2 साल में। तो दोस्तों अब इसको हम काटते हैं तो कट जाएगा हमारा, क्योंकि 7 4 11 11 4 7 4 11 4 15 6 6 12 12 7 19 19 5 24 3 से कट जाएगा, 3 से 19 23 57 57 3 2 6 3 2 6 3 से 19 23 57 3 2 6 3 2 6 अब इसको काटते हैं तो 3 से कटेगा 15 3 45 से 2 2 पर 0 20 3 6 18 से 2 3 8 24 और कट जाएगा हमारा 2 से कट जाएगा तो 2 7 14 2 8 16 2 4 8 इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो 2 9 18 2 6 12 2 1 2 दोस्तों यानी ये जो हमारा हो गया ना ये 961 बटा कितना हो गया 784 इसको काट कितना हुआ यानी 2 साल में 961 बटा 784 हो जाएगा यानी कि अगर 784 रहेगा तो 961 हो जाएगा जैसे 4704 हो गया 5766 यानी कि 4704 रहता तो 5766 होता अगर 784 रहता तो 961 होता ये 2 साल में इसका ये मतलब हुआ तो अगर हम एक साल का निकालना चाहें तो ये 961 बटा 784 है ये 2 साल का ना है तो पावर 1/2 बोले हैं करना है 961 होता है 31 961 का वर्गमूल 31 और 784 का हो जाता है 28 अब आपको सोचना है कि 31 है मिश्रधन 28 है मूलधन तो भैया ब्याज कितना हुआ तो हम प्रतिशत ब्याज निकाला है एक साल का क्योंकि एक साल में खर्च हो गया है और एक साल का परसेंटेज ब्याज दर ही होता है तो ब्याज हुआ 3 कितना पर 28 पर और प्रतिशत के लिए 100% से गुना 4 से काटे हम तो 4 7 28 4 से काटा 25 बार में 25 दिया 75 बटा 7 भाग लगा सकते हैं ये भाग लग जाएगा 7 एकम ये 14 8 7 9 7 63 10 7 70 10 पूर्णांक 5 बटा 7 प्रतिशत ठीक है 10 7 70 5 75 अगला सवाल आते हैं अच्छा इस बात को हमेशा याद रखिएगा एक साल का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर ही होता है चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज आइए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपने सामने और ये प्रश्न कहता है प्रश्न का कहना है 3,45,600 रुपया का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करिए इतना धन इतना हो जाता है 3 वर्ष में ना एक काम करिए कि यहां जो हमारा 3 वर्ष है 3 साल में कितना हो जाता है इतना हो जाता है इतना धन यानी 4,39,400 हो जाता है कौन सा धन 3,45,600 वाला धन 3 साल में काट के देख लेते हैं दोनों जीरो कट गया 6 5 11 11 4 15 15 3 18 9 से कटेगा 9 4 13 13 3 होता है 16 16 4 20 ना कटेगा 4 3 7 4 11 9 20 तो एक काम करते हैं 4 से काट लेते हैं आधा कर लीजिए 17 2 9 34 2 से काटते हैं 2 2 9 4 2 8 16 1728 इसको काट देते हैं 3 से ही कट रहा है 3 1 3 3 4 12 3 1 14 42 1 3 6 18 शेष 3 से भाग लगा 3 1 3 से 1 1 13 3 4 12 से 1 1 19 यहाँ 4 है 3 से नहीं कट रहा
ओ सॉरी, दूसरे काट दिए थे नीचे ना, आइए दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल है कि 3,45,600 रुपये का धन 3 वर्ष में 4,39,400 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 3 साल में बोला है कितना हो जाता है, इतना हो जाता है ये वाला धन। हम इस धन ऊपर लिख लेंगे कि 43 यानी 4,39,400 रुपया हो जाता है। कितना धन? 3,45,600 रुपया धन। ठीक है, अब हम इसका 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और अगर 2 से काट देते हैं तो भैया 17 56 28, अगर इसको 2 से काट देते हैं तो 2 दूना 4 2 1 2 और 2 नमा 18 2 सत्य 14। ठीक है, 3 साल में हो गया है 2197 और 1/17/28, मतलब 3 साल में ये कर सकते रेशियो कि 1728 अगर धन रहता तो वो 2197 हो जाता। ठीक बात है, बीच बीच में ये कीड़ा आज बहुत परेशान कर रहा है मुझे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 साल का 1 ईयर का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही 2197 और 1/17/28 है ना, कितने दिन का है 3 साल का, तो पावर 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो 2197 13 का क्यों होता है, थोड़ा स्क्वायर क्यों याद कर लीजिएगा, और 1728 12 का होता है, यानी कि वो धन 1 साल में अगर 12 रुपया होता तो 13 रुपया हो जाता। तो बताइए अगर हम परसेंटेज ब्याज निकाल ले 1 साल का तो उधारी के बराबर होगा ना, 13 रुपया हो जाता है 12 रुपया, अब ब्याज 1 रुपया देता है कितना पर, 12 पर, अब प्रतिशत में लाना है तो भाई 100% से गुणा करना होगा, 4 3 12 4 से कटा 25 बार में, 25 बटा 3 यानी 8 पूर्णांक 3 24 1 25 यानी 8 पूर्णांक 1/3% हमारा हो जाएगा दर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, और ये गुन्ना गुन्नी वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है ये बहुत खतरनाक सवाल है। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, खैर एक क्वेश्चन जो है पैसा है लेकिन ब्याज होने का जुड़ना है। आप सभी का स्वागत है धुरीना पर, दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और चलिए शुरू करते हैं आज फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास 3। आपने पीछे के दोनों क्लास में देखे हैं कि बेसिक के साथ साथ में उसका क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, बेसिक पहले क्वेश्चन में करा दिया था, आज भी थोड़ा सा बेसिक हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस टाइप का हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज हम अगर आपसे बात कर लें तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा केस में आपने देखा था कि होल वैल्यू हम हमेशा परसेंटेज ब्याज का निकालते थे। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहे कि रेट है 5%, अच्छा मूलधन कोई भी दे दिया मैंने 1,000 रुपये 10,000 रुपये दे दिया, ठीक रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है ना, और आपको ये बताना है कि मिश्रधन क्या होगा अगर ये साधारण ब्याज है। सुनिए, इधर साधारण ब्याज और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बात समझाएंगे, हालांकि ऐसा पढ़ा चुके हैं लेकिन हम आपको याद करा दें। तो हमने क्या किया था कि परसेंटेज ब्याज पहले निकाल लेते थे, और परसेंटेज ब्याज अगर हमारा हो जाएगा तो 5 गुना 10% होगा। अब इस 10% का मान कितना होता है 1/10, इसको जोड़िए 11/10। दोस्तों क्या करिए, ये जो आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है इसमें 11/10 से गुना कर दीजिए तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा, यानी 0 से 0 कर दीजिए, 11 यानी 11,000 रुपया हो गया, ये कितना हो गया 11,000 हो गया। सेम यही क्वेश्चन रहे कि मूलधन रहे आपका 10,000 रुपये, रेट वही रहे 5%, टाइम वही रहे 2 वर्ष, और आपको निकालना हो अमाउंट तो इसमें क्या करेंगे। इस बार आप देखिए गुना किया था मैंने 5 दूना 10% और 10% का होल वैल्यू निकाला था, होल वैल्यू किसका निकाला था 10% का यानी परसेंटेज ब्याज का, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तो होल वैल्यू हमेशा 10% का ही निकाल देंगे, और कुछ ना 10% 5% है, 5% का मान 1/20 होता है, इसको जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाएगा। दोस्तों आपको निकालना है 10,000 मूलधन है ना, इसमें केवल 21/20 से कितने बार गुना, जितना साल है 2 साल है तो 2 बार गुना 21/20 से। अब आइए इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट दिए, अब 2 दूना 4 से भी काट सकते हैं इस 100 को 25 बार में, नहीं तो काम करिए 4 से बाद में काटेंगे, 2 को रहने देते हैं, 2141 और 100 यानी 441 और 2 जीरो हो गया, अब 4 हो गया, तो 4 से अगर भाग दे देंगे तो 11 चौके 44, फिर 4 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1125 रुपया, सॉरी 1025 हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा बीच में ना, तो 1125 रुपया आ जाएगा हमारा, 1125, क्योंकि 4 से भाग लगाएंगे तो 44 11,000 और 100 के आधार 25 रुपया, 1125 रुपया हो जाएगा, जबकि यहाँ 11,000 ही हुआ था। तो आपको पता चला ऐसे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा ही होगा साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज कम था इसलिए मिश्रधन 11,000 आया, और चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा हो जाता है इसलिए मिश्रधन 11,025 रुपया आया। तो ये मिश्रधन निकालने का तरीका था, यानी हम ये जानना आप चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए अगर आपको CI का केस है तो CI के केस में होल वैल्यू यानी WV होल वैल्यू हमेशा हमेशा दर प्रतिशत का ही निकालेंगे, सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा किसका निकालेंगे, 10% का। अगर आपको रेट है 10% दिया हुआ तो 10% का मान 1/10 और जोड़ देना है 11/10, इससे हमको गुना करना है, गुना क्या करना है, अगर मूलधन से मिश्रधन पर जाना है यानी पी पता हो ए पता करना हो, मूलधन से मिश्रधन पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का क्या करना है सीधा गुना करना है, होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। अगर मिश्रधन से मूलधन पर आना हो ठीक है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, उल्टा गुना ठीक है ना, ये करना है होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। इस बात को याद रखिएगा कि मूलधन पहले होता है मिश्रधन बाद में होगा, तो शुरू वाला चीज पता हो, अब बाद वाला चीज पता करना हो तो सीधा चल जाएंगे तो मूलधन पर पहुंच जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है। आइए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दोस्तों रेट 10% रहेगा ठीक है और टाइम जो रहेगा ना 2 पूर्णांक 2/5 वर्ष रहेगा, तो आप कैसे करिएगा, अगर मान लीजिए आपको यहां पर मूलधन भी दे दिया
₹10,000, ठीक है, मूलधन ₹10,000 दे दिया है और मिश्रधन आपसे पूछ लिया है, तो क्या करेंगे? पहले हम दो साल के लिए करेंगे सीआई के नियम से, अगर सीआई वाला सवाल है तब, सवाल कैसा हो सीआई वाला हो तब, तो सीआई वाला सवाल में हम क्या करेंगे, पहले हम दो साल के लिए निकालेंगे, फिर दो बटा पांच साल जो है दोस्तों ये एक साल से कम है और एक वर्ष तक का सीआई समान होता है, इसलिए हम इसको एसआई के नियम से निकालेंगे। इसको क्या करेंगे कि एसआई के नियम से, एसआई बराबर होता है ना आर इनटू टी, प्रतिशत में ब्याज के लिए, इस नियम से कैसे, तो यहां पर क्या करेंगे हम 10% से गुना कर देंगे 2/5 में, रेट ऑफ टाइम को, 5 × 10 यानी 2 × 4%, 4% का मान 1/25, होल वैल्यू हमेशा जोड़ के निकालना है, यानी 26/25 हुआ, एक चीज ये मिल गया। दूसरा 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो 10% का मान कितना होता है भाई, 1/10, होल वैल्यू हमेशा जोड़ के 11/10, ये 11/10। अब देखिए ऊपर हमारा कितना था, ₹10,000 था, 10,000 में अब गुना करेंगे हम 11/10 से दो बार हो गया, और फिर गुना करेंगे हम 26/25 से, क्यों, क्योंकि दो साल के लिए ये पूर्णांक वाला, दो साल के लिए दो बार गुना इससे, ये सीआई के नियम से, और ये जो बचा जो एक साल से कम है उसको एसआई के नियम से। अब हमारा मिश्रधन पता हो जाएगा, अगर इसको 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं और 25 × 4 कर देते हैं, आगे आप काम कर लीजिएगा, ये मैं ऐसे समझा रहा था, 11 121 में 4 से गुना कर देंगे, फिर 26 को गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आते हैं अब सवाल पर, हमारे सामने कुछ सवाल, सवाल सबसे पहले, अच्छा पहला वीडियो आपको देखना बिल्कुल जरूरी था, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, मंगलू ने ₹6,000 दो वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना है मिश्रधन। तो होल वैल्यू का सीधा गुना, 5% का मान कितना होता है भाई साहब, 5% का मान 1/20 जोड़ दीजिए, 21/20 हुआ, 5% का होल वैल्यू मैंने निकाला। अब क्या करेंगे, जो ₹6,000 हमारे पास है, इस 6,000 में हम गुना करेंगे 21/20, दो साल है तो दो बार, तीन साल है तो तीन बार, चार साल है तो चार बार, लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 4 से अगर इसको हम काटे तो 15 बार में काट दिया। अब हमको गुना करना किसको है, तो हमको गुना करना है 15 × 21 = 441 को, तो जब हम गुना करेंगे तो 15 × 1 = 15 के हो जाएगा कितना, 5 × 1 = 1, 15 × 4 = 1, 61 × 1 = 6, 15 × 4 = 6, 6615 हो जाएगा दोस्तों, यानी हमारा 6,000 दो वर्ष में 5% के दर से 6615 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना, बड़ा आसान, बहुत आसान, बिल्कुल आसान। आइए अगला सवाल हमारा दूसरा कहता है, सुगना ने ₹4,000 तीन वर्ष के लिए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए सुगना नाम का कोई व्यक्ति है, उसने ₹4,000 कर्ज लिया है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, तो 3% का मान कितना होगा दोस्तों, 3/100, इसको जोड़ देना, 103/100 हुआ, यानी 3% है तो 103/100 एक साल, फिर 103/100 ऐसे होगा, 3 वर्ष है ना, तो 103/100 फिर 103/100 लीजिए, 103/100 हमारा 3 साल का था इसलिए 3 बार गुना, चलिए यहां देखिएगा 2 जीरो से हमारा 3 जीरो से 3 जीरो काट देते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम गुना करेंगे 103 और 4 को, तो ये हमारा आता है 4370908 बटन में हमारा 1000 है, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो हटाने के लिए 3 × 10, यानी ये लगभग ₹4,370.90 के आसपास आएगा, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा डिजिट रहेगा एग्जाम में जो कटने वाला होगा, ये डिजिट ही ऐसा था जो मैंने गुना करके लिखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है हमारा 3 नंबर, ₹5,000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देखोगा, आपको याद होगा मैंने 6 माही, 3 माही, 4 माही, 5 माही वाला चीज बता दिया था आपको, यहाँ पर टाइम पता है कितना जानते हैं, 1.5 वर्ष का, तो 1.5 × 3/2 वर्ष, ठीक है, ये आपका टाइम है 1.5 वर्ष, उसके बाद है रेट आपका 10%, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब 6 माही 4 माही 3 माही का चर्चा हो, 6 माही एक साल में 2 बार होता है, तो 2 बार होता है तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना कर दिए, 2 से 2 = 3 वर्ष हुआ, 1.5 × 3 वर्ष होता ही है, और ये हमारा आ गया इससे कट के 5%। अब दोस्तों हमें क्या निकालने के लिए है, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो एक काम करते हैं 5% की दर से 5% का मान कितना होता है 1/20, इसको जोड़ लो तो 21/20, ठीक है। अब क्या करना है, इस 5000 में 21/20 से अगर हम 3 बार गुना कर देते हैं, 21/20 से हम 3 बार गुना कर देते हैं 21/20 से, ठीक है, तो हो गया हमारा ये मिश्रधन। अब ये जो मिश्रधन निकल कर आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, अब 21 का क्यूब 9261 होता है, और इसको अगर हम इसको 5 से गुना कर देते हैं, 21 का क्यूब होता है कितना 9261, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, ठीक है। अब चलिए 8 से कटेगा नहीं, तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 30, 5 × 10 = 3 = 13, 1 × 9 = 45, 1 × 46 = 46, 46 × 5 इसको 8 से भाग लगा देते हैं तो हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों कितना 5 से लगाते हैं 46 है, 8 × 5 = 40, 40 × 6 = 63, 8 × 7 = 56, 7 × 0 = 70, 8 × 8 = 64, 5 × 6 = 64, 5 × 8 = 64, शेष 1 = 10, 8 × 1 = 8 और शेष 2 × 2 = 20, 8 × 16 यानी लगभग हो गया 57.88 रुपया 12 पैसा, ये लगभग आ रहा है। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये 5000 मूलधन घटा देंगे तो हमारा 788 रुपया 12 ये हो जाएगा आपका ब्याज, ये ब्याज हो जाएगा क्योंकि 5000 से ये जितना ज्यादा है वो ब्याज हो गया, सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा डिजिट है जो दशमलव के बाद भी नहीं कट रहा है, तो डिजिट सोचने में गड़बड़ जाता है, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे आपको पसंद करने वाले, वरना कटने वाला तो आराम से कट जाएगा। और वार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 6250 का नहीं, अच्छा रेट कितना है, रेट 12%, टाइम कितना कर रहा है 1 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक है तो 6 माही एक साल में, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, हर 6 महीना पर ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में, तो बताइए 6 माही एक साल में 2 बार होता है, तो 2 से गुना 2 से भाग, तो ये 6% हुआ और ये 2 वर्ष हुआ, अच्छा 2 वर्ष का है तो इसको हम सिंपल वाला तरीका से ही कर लेते हैं। अब आपको बनाना जो है वो रेट 6% लेकर बनाना है, टाइम 2 वर्ष लेकर बनाना है, और आपको मूलधन भी पता हुआ है, पता है 6200 कितना 50 रुपया, ये पता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो प्रतिशत में पहले अगर हम ब्याज निकाले नहीं तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करके मिश्रधन निकाल लेते, हम मिश्रधन में से मूलधन घटाते ब्याज, नहीं तो एक काम, रेट के स्क्वायर 10 × 2 = 6 × 12, इतना प्रतिशत आएगा ब्याज, यानी जो भी मूलधन होगा उसका इतना प्रतिशत, यानी कि अगर ये 6250 है इसका 12.36% मतलब बट्टा में 100, अब अगर दशमलव हटाना है तो बट्टा में एक और 100 आ जाएगा, अब ये 0 से 0 काट दिया मैंने, 25 25 = 625, 25 से काट दिया 4 बार में, 25 = 100, 4 से काट दिया 4 = 1200, 4 × 9 = 36, 309, अब देखिए 5 से काट दिया मैंने,
5 से कर दिया, दो बार में 5 से कर दिया, 5 बार में। अब 309 और 5 का गुणा करेंगे तो 1545, 1545 बटा, क्योंकि 309 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 15 45, 1545 बटा ये 2, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 750 और 22, यानी 772.50 रुपया ये हो जाएगा, 772.50 रुपया ये ब्याज हो जाएगा। आइए अगला सवाल, छठा सवाल है, 5 नंबर कहता है कि 40,000 रुपये का राशि 5% के दर पर 2.25 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। एक काम करते हैं, ऐसे सवाल में सिंपल क्या करना है, पहले 2 वर्ष का निकालना है सीआई के नियम से, और ये 3/5 जो है 1 साल से कम है तो 1 वर्ष तक का सीआई समान होता है तो उसी नियम से चलेंगे। जैसे 3/5 को लिख के टाइम है रेट से गुणा कर लेंगे 5%, 5 से 5 कट गया यानी 3% हुआ, तो होल वैल्यू निकाल लीजिए इसका, यानी कि 103/100 है ना। हम इसका निकालेंगे पहले, क्या करेंगे, ये 40,000 रुपये है, 40,000 में हम गुना करेंगे, 5% का मान निकाल लेते हैं, 1/20 इसको जोड़ दिया, 21/20 यानी 21/20 से तो गुना होगा भैया 2 बार, और क्योंकि 2 साल पूरा पूरा, और 1 बार होगा हमारा 103/100 से गुना। कटने वाला काट दीजिए, आप चाहो तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और काट दीजिए, 1 जीरो और काट दीजिए, 2 दूना 4 से 4 भी काट दीजिए, बात हो गया खत्म। अब 21 होता है 441 गुना 103, अब इसको अगर आप गुना कर दीजिएगा तो 45,423 हो जाएगा, ये 45,423 हो गया। दोस्तों आप लगाते हो 40,000, आपको मिलता है 45,423, तो 40,000 से ये कितना ज्यादा है, 5,423 रुपया, यही तो ब्याज हुआ ना, यही ब्याज है आपका सवाल का आंसर, सवाल का आंसर यही हो गया जो ग्रीन कर दिया मैंने, क्योंकि ब्याज पूछा है तो 5,423, मिसलन पूछता 45,423 क्योंकि मूलधन आपने लगाया था 40,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अगला सवाल हमारा छठा, कहता है कि 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कई तरीका इसको बनाने का, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये मूलधन आपका 500 रुपया है, टाइम आपका 2 वर्ष है, रेट आपका 4% है, रेट कितना है 4%, तो बताइए सीआई कितना होगा, सीआई होगा रेट का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16.2 प्लस 4 × 8 इतना प्रतिशत हो जाएगा, यानी रुपया में अगर ब्याज कहें तो 500 का 8.16 प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 × 5 = 40 और 16 × 5 = 80, 40 रुपया 80 पैसा हो जाएगा ब्याज, 8 × 5 = 40, 16 × 5 = 80, ठीक है आगे बढ़े। चलिए अगला बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 यानी 7, किसी धन का 2 वर्ष में, किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना, ये सालाना नहीं यहां साधारण होगा, ठीक साधारण साधारण ब्याज की दर से 90 रुपये होता है तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। एक बात, 10% की दर से 2 वर्ष का तो 20% हुआ साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बोला है 90 रुपया, यानी दोस्तों इस सवाल में जो साधारण ब्याज 90 रुपया दिया हुआ है तो 2 वर्ष का दिया हुआ है 10% की दर से, 10% की दर से 2 साल में 10 × 20% साधारण ब्याज हुआ, अब साधारण ब्याज 20 रुपया जबकि बोला है 90 रुपया, तो एक बात बताइए आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया लीजिए, अब टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 10%, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10 के स्क्वायर 100, 10.2 के बाद प्लस एस आई, तो 10 × 20 यानी कि 21% होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 20% हुआ साधारण ब्याज और वो है 90 रुपया के बराबर, इसीलिए हम 21% का मान निकालेंगे तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 90/20 × 21। हाँ सुनिए वो बात, इस 100% का मान हम तब निकालते जब इस सवाल में मूलधन पूछ लेता, लीजिए 0 से 0 कट गया, अब ऊपर हो गया 9, 9 × 2 = 18, 189/2, 2 × 18, 9 में 2 × 8 = 8, 6 × 1 = 10, 2 × 5 = 10, 94 रुपया। हाँ देखिए इस साधारण ब्याज 90 रुपया हो रहा था, लेकिन उतना ही टाइम में उसी राशि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 94 रुपया 50 पैसा हो गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा हो जाता है, हाँ 1 वर्ष तक का समान रहता है, ठीक है आगे बढ़ूँ। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है, इस सवाल में ये कह रहा है, देखिए एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है, उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। सवाल ऐसा इस टाइप का सवाल बड़ा फेमस सवाल है, पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, तो खास की सवाल आता है कि इतने दिन का साधारण ब्याज देगा चक्रवृद्धि ब्याज देगा और आपसे दर पूछ लेगा, इससे क्या होता है कि वो सवाल आपसे एसआई का भी पूछ लिया और सीआई का भी पूछ लिया, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि रेट बराबर आपको लिखना है, दोस्तों फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेट बराबर यहां सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ ऑफ एसआई अगुना 100, ये हो जाता है दर निकालने का फॉर्मूला प्रतिशत में, ये ठीक है ये है रेट निकालने का फॉर्मूला, तो आइए इसी फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा समान समय का पता होना चाहिए, लेकिन कहीं अलग अलग रहेगा तो अलग अलग रहेगा, ठीक है तो जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता होगा उतना ही साल का हम साधारण ब्याज मालूम कर लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है, 5 साल का देगा 5 से भाग देंगे 1 साल का हो गया, एक साल का पता है तो कई साल का निकाल सकते हैं, देखिए साधारण ब्याज को कन्वर्ट करना आसान है ना, तो जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज यूज करना है उतना ही साल का साधारण ब्याज, यहां पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 और उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 यानी 2 वर्ष का, तो बस आपको निकालना है रेट सीआई माइनस एसआई यानी 51 - 50 नीचे 1/2 एसआई 1/2 एसआई आप प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, चलिए ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया कट के 25 और हो गया 100% से तो गुणा, 25 × 100 यानी रेट हो गया भैया 4%, ऐसे सवाल में कभी मूलधन भी पूछ लेगा, कहा कि रेट आपको 4% पता हो गया ना, और आपसे ऐसे सवाल में सिर्फ मूलधन पूछ लेगा, कहा है कि 2 साल में साधारण ब्याज जितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज जितना हुआ उसी दर से उसी टाइम में, तब पूछ देगा कि बताइए मूलधन कितना था, तो रेट निकालिए ना, रेट तक पता रखना रेट आपका 4% है, ठीक रेट आपका 4% है दोस्तों, तो आपको जब रेट पता हो गया है 4%, और आपको यह भी पता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया, साधारण ब्याज लेकर बना देंगे 2 वर्ष का ना, तो 4 × 8% साधारण ब्याज होगा, जबकि साधारण ब्याज 50 रुपया, तो 100% का मान कितना वही मूलधन हो जाएगा 50/8 × 100, लीजिए बन गया 4 से कटा 2 बार में 4 से कटा 25 बार में 2 से कटा 25 बार में 25 का 625 रुपया, इस सवाल का मूलधन हो जाएगा दोस्तों, अब कहीं वैसा चक्रवृद्धि ब्याज लेकर नहीं निकाल सकते थे, मूलधन निकाल सकते थे, तो चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, अब 4% की दर से 8.16% होगा, 8.16% के बराबर 51 रखेंगे और उसको हल करेंगे, यही आएगा 625, ठीक। चलिए लास्ट सवाल और देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन, सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत है, रुक जाइए, किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41, साधारण ब्याज 40, रेट पूछा है तो सीआई माइनस एसआई 41 - 40 बट्टा में हाफ ऑफ एसआई, एसआई माने 40 अगुना 100, पिछला फॉर्मूला यूज किया मैंने, ऊपर 1 हो गया नीचा
इकट्ठा 20 बार में, 20 से कटे 5 बार में, तो 5%, क्योंकि 5 एकम 5 होता है, ऊपर गुना होगा तो 5% हमारा आंसर हो गया। कौन फार्मूला आया याद हुआ आपको? रेट बराबर सीआई माइनस एसआई बटा में लगा दिया 1/2 एसआई अगुना हुआ भैया 100%। बस ये बात और कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करने का ऑप्शन नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज जो हमारा क्लास होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा क्लास है। और बेसिक के साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसी तरह आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं। चूंकि लगातार मैं क्वेश्चन लेके आया हूं इस वीडियो में और 9-10 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे भी, तो आपको याद होगा कि 2 बरस का फॉर 2 ईयर 2 बरस का सीआई निकालने का एक ट्रिक मैंने बताया था। क्या बताया था? रेट के स्क्वायर और 0.2 के बाद प्लस एसआई। ये आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है अगर रेट 5% होता है और टाइम होता है आपका 2 वर्ष, तो आपको याद है रेट 5% टाइम 2 वर्ष, तो सीआई कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर 25.2 के बाद अब एसआई 5 × 10 यानी 10.25%। यही बात बताया था मैंने। अच्छा, ऐसे 2 बार चेंज किया, इसका मतलब रेट के स्क्वायर 0.2 के बाद देना है। ध्यान दीजिए, अगर एसआई को इधर बुला लेते हैं तो सीआई माइनस एसआई हो जाता है ये 2 साल के लिए, और रेट के स्क्वायर 0.2 के अंक बाद 0.2 अंक बाद। ये सारा बात हम बता रखे हैं पहला क्लास में, सुनिए ये बात बता रखे हैं। तो ये चीज होगी आपका रेट के स्क्वायर 0.2 के बाद, यानी कि अगर 2 बरस के सीआईएसआई का अंतर निकालना हो, सीआईएसआई का अंतर रेट अगर 5% हो, 2 साल का सीआईएसआई का अंतर, तो केवल 5 के स्क्वायर करना है 25 और 0.2 अंक बाद, बस हो गया 0.25%। इसका यूज होगा, इसका खूब यूज होगा, देखिएगा आगे। आइए, एक चीज और आपको मैंने बताया था कि अगर 3 साल का हो, फॉर 3 ईयर, तो 3 साल का होगा तो सीआई निकालने का पहला काम था रेट का, क्यों? दूसरा काम था एसआई गुने आर, और 0.2 देना है, एसआई लिखना है। ठीक है, और एक बात और बोला था मैंने, काम तो इधर से ही होगा और इनको इनको जो वैल्यू आएगा उसको 2 अंक में लिखना है, दोनों को 2-2 अंक में, 2-2 अंक में लिखना है। बताया था क्या? देखिए क्या बताया था, अगर मान लो आपका रेट 5% आ रहा हो, टाइम 3 वर्ष हो रहा हो, और आपको निकालना हो सीआई, तो ये बताया था पहला काम रेट का, क्यों? 5 का क्यों? 125 के 25 लिखना है, क्योंकि दोनों को 2-2 अंक ही लिखना है। 125 ऐसे होता है ना, तो 2 अंक लिख देना उधर से 25। अब एसआई गुणे आर, और आपको पता है एसआई का मतलब होता है आर इंटू टी और फिर आर, है ना, यानी कि 2 बार आर और 1 बार टी। एसआई हुआ आर इंटू टी और फिर ये वाला आर, यानी 2 बार आर और 1 बार टी, 2 बार आर और 1 बार टी, तो 2 बार आर तो 25 और 1 बार टी, 25 = 75। हाँ, सिल वाला एक कितना? 76। 2 अंक है, 2 अंक लिख दिया, 0.2 दिया। अब एसआई तो 5 = 15, यानी इतना हो जाएगा 15.7625% हो जाएगा आपका 3 साल के लिए। इसी में अगर आप चाहते हो कि भैया, हाँ, अगर आप चाहते हैं ये कि 3 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर क्या, तो सीआई माइनस एसआई लिखेंगे बराबर उधर केवल, देखिए रेट का क्यों 2 अंक में लिखना है, उसके बाद दूसरा काम है हमारा एसआई गुने आर। ठीक है, यहाँ 0.2 जाएगा, एसआई तो इधर आ गया था, बात खत्म है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, और होल वैल्यू वाला बात सब याद होगा आपको। क्वेश्चन हमारे सामने है एक 10 नंबर सवाल, जो कि कल 9 नंबर और 8 नंबर जो पढ़े थे उसी टाइप का ये सवाल है। किसी राशि पर 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो प्रतिशत ब्याज की दर याद करें। ऐसे सवाल के लिए मैंने दर निकालने के लिए आपको बताया था सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ ऑफ एसआई अगुना 100, और ये आएगा प्रतिशत में। जब समान वर्ष का सीआईएसआई पता चल जाए तो आप इसी पर लगाइएगा, लेकिन अलग अलग साल का रहेगा, तो जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतना ही साल का हम साधारण ब्याज निकाल कर बनाएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज अगर 5 साल का पता है तो 1 साल का पता हो जाएगा, 5 साल वाला में 5 से भाग, 10 साल का है तो 10 से भाग 1 साल का, और 1 साल का जब पता हुआ तो कितना साल का निकाल सकते हो। देखो ऊपर अंतर लिखना है, तो बताइए एसआई और सीआई में कितना अंतर हुआ, तो 80 पैसा का यानी 0.80 रुपया, नीचा 1/2 एसआई, एसआई कितना है 40 है, और 100 से गुना प्रतिशत मिलाने के लिए, और सीआई माइनस एसआई है तो घटा कर लीजिए, 40 80 40 में घटा कर लीजिए, ये हमारा दर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो अगर दूसरे इसको काटते हैं तो 20 बार में कट जाएगा, लीजिए 20 बार में कट गया, 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया, 0.2 को हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे में बट्टा में 100 हो जाता है। अच्छा, अब 5 से काटते हैं तो इसको 20 बार में काटते हैं, अब 20 से इसको काटते हैं तो 4 बार में काटते हैं, यानी आपका जो रेट हो गया ना दोस्तों वो 4% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ूँ, चलिए अगला सवाल हमारे सामने 11 नंबर। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो 16,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के उपरांत हो जाएंगे, 2 वर्ष के उपरांत कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक यानी 6 माह, तो रेट जो हमारा दिया हुआ है 10%, और दोस्तों टाइम हमारा दिया हुआ है कितना जानते हैं 2 वर्ष, टाइम दिया हुआ है ना 2 वर्ष, तो अब आपको क्या करना है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के उपरांत हो जाएंगे, माने वो धन कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष दिया हुआ है, अगर अर्धवार्षिक है यानी 6 माह है, तो 6 माह 1 साल में 2 बार होता है, 2 बार, तो रेट में आपको 2 से भाग लगाना है पहले, टाइम में 2 से गुना करना है, सॉरी टाइम में आपको क्या करना है, टाइम में 2 से गुना करना है, तो टाइम में 2 से गुना कर दिए, 2×4 वर्ष हो गया, और यहां हो गया आपका 5% हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5% का मान कितना होता है भाई, 5% का मान 1/20, फुल वैल्यू निकाल दिया 21/20, 4 साल है, 4 बार गुना करेंगे, मिश्रण पता हो जाएगा, अभी हमारा 16,000 रुपया है। ठीक है, अब हम 21/20 से कितने बार गुना करेंगे, 4 साल है तो 4 बार गुना कर देंगे 21/20 से, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए, हम पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो को हम काट दिए, अब 2×4×8×16 से 16 को काट दिए, 2×4×8 8 से 16 को 2 बार में, और 2 से 20 को काट सकते हैं 10 बार में। अब हम इसको गुना कर देते हैं, 21 = 441 गुना 21 = 441 अब बट्टा हमारा 10, अब इसको गुना करके देखेंगे तो 1,94,481 इतना हो जाएगा, यहाँ से 0 हटाएंगे तो 0.1 अंक बाद, यानी हो जाएगा ये हमारा कितना, 21,10,000 यानी 19,448 रुपया 10 पैसा, ये हो जाएगा 16,000 रुपया कितने दिन में, हमारा 4 साल में। यदि ब्याज वार्षिक दे हो और 10% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, तो मूलधन की गणना याद कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको रेट दिया हुआ है 10%, रेट आपको दिया हुआ है कितना 10%, तो जब आपको रेट पता है 10%, देखिए रेट पता है आपको 10%, टाइम पता है 3 वर्ष, और आपको एक चीज़ दिया है, क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल लीजिए 3 वर्ष का। पहला काम रेट का क्यों, 10 का क्यों, 1000, 1000 का 2 जीरो लिखेंगे, हासिल हुआ 10। दूसरा काम 2 बार आर और 1 बार टी, 10 × 100 = 300, 300 × 10 = 310 होता है तो 10×2 लिख लेंगे, हासिल 3। अब उसके बाद क्या हुआ, 10×30 हासिल वाला 3, 10×30 यहाँ 0.2 हो जाएगा, 10×30 और 3,
33, यानी हो जाएगा इतना 33.1%। कैसे, फॉर्मूला आपको नहीं याद है? फॉर्मूला ये है आपका, पहला काम रेट का क्यों, दूसरा काम आर गुने टी, और तीसरा काम यहाँ दशमलव देकर एसआई। काम उधर से करना है और इनको इनको दो दो अंक में ही लिखना है गुना करके, और बाकी हासिल इधर आ जाता है। यानी कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो 33.1% हुआ, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 331 रुपया। इसलिए अगर 100% का मान निकाल दे तो वो मूलधन हो जाएगा 331/33.1, गुना हमारा कितना 100। अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 331 से 331 एक बार में कट गया, यानी हमारा आंसर हो गया 1000 रुपये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कहता है 1000 रुपये की राशि तीन वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्राप्त मिश्रधन मूलधन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सोचिए, प्रतिशत में ही बोला है कितना अधिक होगा। इस अमाउंट का कोई, सॉरी, इस मूलधन का कोई जरूरत ही नहीं है, प्रतिशत में हमें पूछा है ना, हमें तो पता है ना रेट कितना 10% और टाइम कितना है तीन वर्ष। आपसे कहता है कि कोई मिश्रधन मूलधन से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। अरे मिश्रधन मूलधन से उतना ही ज्यादा होता है जितना कि ब्याज होता है, तो प्रतिशत में जितना ब्याज होगा मिश्रधन उतना ज्यादा होगा मूलधन से। तो सुनिए, आपको निकालना है कि सीआई निकालना है 3 वर्ष का, जितना ब्याज उतना ही मिश्रधन, ज्यादा मूलधन से। तो फॉर्मूला वही रेट का क्यों, पहला काम अधुअंक में लिखना है, दूसरा काम है R गुना T, ठीक है, दुअंक में लिखना है, दशमलव देना है एसआई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सुनिए, 10 का क्यों होता है 1000, 1000 का डबल जीरो लिख देंगे, हासिल 10। दूसरा काम R गुना T, तो 10 दहाई 100, 100 तिहाई 300, 300 हासिल वाला 10, 310, तो 310 ऐसे होता है 10 लिख देंगे, हासिल 3। अभी दशमलव आ गया, 10 तिहाई 30, कहिए ऐसा निकाले 10 तिहाई 30, 3 33, यानी बस यही हुआ आपका 33.1%। यानी मिश्रधन 10% के दर से 3 साल में मिश्रधन मूलधन से 33.1% अधिक होगा। चलिए 33.10 कहेंगे इसको, हम 0 लगा सकते हैं लास्ट में, ये सही है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882। मैंने एक वीडियो, जबकि दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें इस टाइप के सारे सवाल करा दिया था। कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 हो जाएगा। सुनिए, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 वर्ष का है ना, तो 2 ईयर में हो जाएगा 882 रुपया, कितना 800 रुपया है ना। अगर इसको काटते हैं तो यानी कि 441 और ये हुआ 400, यानी 400 है तो 441 हो जाएगा, 800 है तो 882, यही बात। यानी सुनिए, तो 1 साल का अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो ये तो 2 साल का है ना, ये कितने दिन का है, 2 साल का, पावर 1/2 कर दीजिए, यानी वर्गमूल हो गया, तो वर्गमूल हो गया 441 का वर्गमूल 21 और 400 का होगा 20, यानी वो धन 1 साल में 20 से बढ़कर 21 हो जाएगा, यानी 20 रुपया मूलधन है, ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ऐसे समझना है। एक बात और बताया था मैंने कि 1 साल का अगर हम परसेंटेज ब्याज निकाल दें तो वो 10% के बराबर ही है। अगर मिश्रधन 21 और मूलधन 20 है तो ब्याज 1 हुआ, कितना पर 20 पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देते हैं। चलिए 20 25 100, 5 बार में कटा तो 5% हमारा आंसर हो गया दोस्तों, 5%, बस यही है। क्योंकि ये हमने जो निकाल दिया वो 1 साल का परसेंटेज ब्याज निकाल दिया। ये क्या निकाल दिया, 1 साल का परसेंटेज ब्याज, वो होता है दर के बराबर। आइए अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल को एक दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों, अगर दर मान लिया जाए R प्रतिशत, तो R प्रतिशत का मान कितना होगा, R/100 होल वैल्यू हमेशा जोड़ के R+100/100, यही ना। तो ये मूलधन है, मूलधन में R+100 अब बट्टा में कितना हो गया 100, इसका पावर जितना रहेगा उतना, जितना साल रहेगा उतना, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना, तो मिश्रधन पता, बस आपका मूलधन है कितना इसमें 800, और आपका ये हो गया R+100 अब बट्टा में 100, 2 साल है तो पावर 2, मिश्रधन है 882, 800 के आधा हुआ भैया 400, 882 के आधा हुआ 441। आगे हल करते हैं तो ये हमारा R+100 अब बट्टा 100 बराबर हो जाता है 441/400, इस पर रूट लग जाएगा क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा के उधर, ये गुना में था उधर गया भाग में। तो ये देखिए R+100 अब बट्टा 100 बराबर ये 21/20 हो गया, 20 25 100 हो गया, 21 25 105, आर बराबर देखिए 105 में 100 जाकर घट जाएगा, तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, जो हम एकदम बचपन बेसिक चीज पढ़े थे उसी टाइम ये सब चीज सीखे थे। आइए सवाल है अगला, 15 नंबर। कहता है 80,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,200 हो जाएंगे। 2 वर्ष में ना, तो 2 वर्ष में है तो सीधा करिए 88,200 हो रहा है, कौन सा धन, 80,000 धन है ना। तो चलिए 80,000 धन हो रहा है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काटती है, इसका आधा हो गया 400, इसका आधा हो गया 441। अब देखिए, तो अब हमें कितने दिन का निकालना है, 1 साल का, 1 साल का ब्याज निकालें तो हमारा 441/400 ये 2 साल का है, पावर 1/2 करेंगे वही बात आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा, यानी कि ये मिश्रधन हो जाए, 20 रुपया 21 हो जाता है, तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो आपका जो ब्याज होगा ना दोस्तों, 1 साल का परसेंटेज ब्याज होगा, ये निकल जाएगा 20 से 21 हुआ, तो 1 रुपया ब्याज 20 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना 20 25 100, 5%। अगर 1 साल का आपने निकाल दिया है परसेंटेज ब्याज, तो वो होगा दर के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 16 नंबर। 1200 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 16% है। 1200 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 16% है। देखिए ये 1200 रुपया है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, 5% और 10%, तो 5% का मान कितना होता है 1/20, इसको जोड़ दीजिए 21/20, एक बार इससे गुना, और एक बार 16% का मान होता है 4/25, इसका मान इसको जोड़ लीजिए 29/25, एक बार इससे गुना 29/25 से काटिएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 60 बार में, और 5 से काटिएगा तो 12 बार में, 5 से काटिएगा तो 5 बार में, ऊपर गुना कर लीजिए 12 गुना 21 गुना 29 बट्टा हमारा 5 गुना करके दोस्तों, इसको गुना करते हैं तो ये सब हो जाता है 7308/5, भाग दे दीजिएगा 1461.6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, चलिए यही पूछा था, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रश्न क्या कहता है 17 नंबर। पता 1800 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 10% और द्वितीय वर्ष 15%, तो पहले 10% का मान 1/10 इसको जोड़ देना है 11/10 हुआ, आगे 15% का मान हुआ 3/20 इसको जोड़ देना है 23/20। अब क्या करना है, 1800 रुपया मूलधन है, एक बार उससे गुना 11/10 से और एक बार इससे गुना 23/20 से हो गया मिश्रधन। जब मिश्रधन निकाला तो सीधा गुना कर देना है, यही मिश्रधन था, मूलधन निकाला होता तो उल्टा गुना, 10 ऊपर 11 नीचे करके ऐसे गुना होता, 20 ऊपर 23 नीचे ऐसे करके, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 2 नंबर 18 हो गया, लीजिए 23 नंबर 207, 11 गुना 207 अगर गुना कर लेते हैं तो ये हो जाता हमारा कितना 207, फिर 207 यानी 7 7 2 2 यानी 2277।
ये गुना होकर हो गया कितना 2277, ये गुना है आपका 2277, ठीक है। चलिए तो ये 2277 रुपया हो जाता है हमारा दो साल में। अगला सवाल पर पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम हम इसे धनी पूछा है, मूलधन सॉरी ब्याज कहता था 1800, इसमें से घटा देते 477 रुपया हो जाता ब्याज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया होता है तो उसी राशि पर उसी दर से एवं उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। आपको पता है अगर रेट 5% होगा, टाइम आपका दो वर्ष है, तो आप जानते हैं सीआई कितना प्रतिशत होगा, 5² 25.2 के बाद 5 × 10 10.25% होगा, जबकि एसआई जो होगा केवल 5 × 10% होगा। दोस्तों यानी कि हमें 10.25% का वैल्यू पता है 225 रुपया, क्योंकि हमें इतना का मान पता है। अब हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालने के लिए 10.25 × 10.25 × 100 सॉरी 10 तो हमें क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन हो जाएगा। हमें पूछा है भैया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, हमें पूछा है साधारण ब्याज, तो 10.25% का मान है, हमको केवल 10% का मान निकालना है। तो 10% का अगर मान निकालना है तो आपको 10 से गुणा करना हो। लीजिए इस दशमलव को अगर हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर लगाते हैं, इससे एक बार में कट गया, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो केवल 1000 रुपया हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और एकदम ऐसे ही ध्यान से हम आपको पूरी टॉपिक पढ़ाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं नितिन यादव, और चलिए शुरू करते हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां क्लास। और आज का जो क्लास है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन में और ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके थे, यदि एक राशि 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2100 रुपया है तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उस दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको याद होगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना है या साधारण ब्याज, तो आपको याद होगा कि रेट अगर मान लो 10% है, टाइम हमारे सामने 2 वर्ष है, तो हम सीआई निकाल सकते हैं 21% आ जाता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 10.2 के बाद प्लस एसआई, 10 × 20 = 21, तो 21% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, जबकि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10 × 20% हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी कि 21% का वैल्यू दिया है हमें 2100 रुपया, तो 100% नहीं, हम 20% का मान निकालेंगे। अगर साधारण ब्याज निकाला है तो 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का है तो 20% का मान निकाल देंगे, तो 2100 / 21, अब 20% का मान निकाला है तो 20 से गुणा, 21 से इसको काट सकते हैं हम 100 बार में, तो 2000 रुपया हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। दोस्तों इसी सवाल में अगर आपसे मूलधन पूछता तो 100% का मान निकालते, ये करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप इसे एक बार देख लीजिए। आइए थोड़ा डिस्टर्बिंग के लिए माफी चाहते हैं। अगला सवाल 20 नंबर क्या कहता है, 1875 रुपए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 2352 रुपए हो जाएगी। एक सिंपल सा बेसिक रूल आप जान रहे हैं, बेसिक फार्मूला जो कि बचपन से आप पढ़ते रहे हैं। सुनिए, अगर मान लीजिए दोस्तों कि दर आर परसेंट हो, ठीक, इस सवाल को भी छोड़ दीजिए, दर आर परसेंट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बट्टा 100, होल वैल्यू कितना हो जाएगा, आर प्लस 100/100। आपको एक बात यह भी याद है कि मूलधन में होल वैल्यू का अगर सीधा गुना कर देते हैं तो हमारा मिश्रधन हो जाता है, और टाइम उतना देंगे जितना साल रहेगा तो ये मिश्रधन आ जाएगा। मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना तो मिश्रधन, सिंपल है, कुछ नहीं। यहाँ 1875 रुपया रख दिया, 1875 रुपया, ये दर पता है हमें 12%, तो 12% पता है तो हम 12% का मतलब बट्टा में 100 काट देंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 25, 3 हो गया ऊपर 28/25, ऐसे जोड़ के लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिख दिया मैंने क्या 28/25, और कितना साल है, टाइम पूछा ही है, ये हो जाएगा मिश्रधन। मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना मिश्रधन, और मिश्रधन है 2352। दोस्तों अगर 3 से काटते हैं तो ये 625 बार में कट जाता है, और 3 से काटेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 2 × 2 = 5 = 25, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12। अब आ जाइए तो ये 625 उसके बट्टा में चल जाएगा, यहाँ 28/25 इसका पावर टी, और ये 784 बट्टा हो जाएगा हमारा 625। अब एक काम करिए, इसको 28 और इसको 25 में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो भैया पहले मेरे पास 28/25 है, इसका पावर टी है, और इसको हम 28/25 का पावर 2 लिख सकते हैं, देश आपस में समान, खत्म, पावर भी आपस में समान, यानी टाइम हमारा 2 वर्ष होगा, सिंपल। आगे तो इसको याद रखिएगा, जब आपको मूलधन पता हो और मिश्रधन पता हो, टाइम या रेट पूछे तो आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला से बन जाएगा आपका। आइए अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है 21 नंबर, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। वही फॉर्मूला लगा लीजिए ना, P बराबर वही R प्लस 100 बट्टा में 100, पावर उतना जितना टाइम रहेगा हो जाएगा मिश्रधन। मूलधन है आपका 2000 रुपया, तो 2000 रुपए यहाँ पर रेट है 10%, 10% का मान 1/10 जोड़ दीजिए तो 11/10, या आप यहाँ 10 रखिएगा 110/100 = 11/10 हो जाएगा। अच्छा टाइम पूछा है तो यहाँ टी रहने देंगे, और मिश्रधन हमारा कितना हो जाता है 2420। दोस्तों 0 से 0 कट गया, 200 का आधा 100 हो गया, 242 का आधा 121 हो गया। आपको 11/10 की पावर टी, और यहाँ हो जाएगा 11/10 की पावर 2, कैसे, ये 100 को भेजते हैं बट्टा में 121/10, तो 11 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। लीजिए इससे ये खत्म हो गया, बेस आपस में समान, पावर भी आपस में समान, टाइम हो गया हमारा 2 वर्ष। अगला सवाल पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22 नंबर, यदि कोई राशि 3 वर्ष में 2700 से बढ़कर 6400 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। वही काम करना है, एक राशि इतना दिया है, 3 साल में इतना हो गया, आपको 2700 रुपया ये मूलधन हो गया, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना, रेट पूछा है, रेट हमको नहीं पता है तो बस इसको यहीं छोड़ देंगे, 3 साल है, पावर 3 दे देंगे, और हमारा हो गया दोस्तों 6400, तो 6400 हो गया है। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट लेंगे, 27 को बट्टा में भेज देंगे, और इधर आर प्लस 100/100 है 64, 4 का क्यूब होता है, और देखिए 27 3 का क्यूब होता है, यानी मैंने क्यूब हटाया, क्यूब रूट चढ़ा 64/27 पर, 64 का घनमूल 4 और 27 का घनमूल 3। दोस्तों ये हो जाएगा उधर 400, इधर हो जाएगा आपका 3R + 300 बराबर हो गया आपका 400, 300 आपके घट गया तो 3R बराबर आपका 100 बचा, तो R बराबर हो गया 100/3, यानी कि 33.33%, आप ये कह सकते हो, ये हो जाएगा सवाल का आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल, अगला छठा कहता है, यदि कहता चक्रवृद्धि ब्याज की किस ब्याज की दर से 2304 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 2500 हो जाएगी। बहुत सिंपल, 2304 रुपए की राशि, यानी ये 2304 रुपए आपका मूलधन है,
किस ब्याज की दर से, दर पूछा है तो ये तो सिंपल लिख देंगे आर प्लस 100 बटा 100 क्योंकि दर हमको नहीं पता है। टाइम क्या दिया है 2 वर्ष, तो टाइम यहाँ 2 लिख दिया, 2 बराबर हमारा मिश्रधन हो गया 2500। दोस्तों काटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, इधर वाला नहीं कटेगा। चलिए अब क्या करना है हमें, यह है 2500, ये 2304 बट्टा में जाएगा, ये आपका आर प्लस 100 बट्टा 100 हो जाएगा। और आपको पता है 2500 के बट्टा में 2304 जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 2500 का वर्गमूल 50 और 2304 का वर्गमूल हो जाएगा 48, क्योंकि बट्टा में दो रहेगा इसके बट्टा में ये वाला। अब देखिए आप काट सकते हैं, ऊपर 25 कर सकते हैं और नीचे 24 कर सकते हैं आधा। अब ये हो जाएगा आपका 24 आर प्लस 24 सौ बराबर हो जाएगा 2500। अब देखिए 24 आर बराबर हो जाएगा, इधर जाके घट गया तो 100, हम 4 से काटे तो 6 बार में 4 से काटे तो 25 बार में। दोस्तों हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा 25 बटा 6, यानी 6 चौके 24 है ना, 6 चौके 24 25, 4 पूर्णांक 1 बटा 6 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, तो 24 नंबर सवाल, किस धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपया 60 पैसा एवं साधारण ब्याज 80 रुपया प्राप्त होता है, तो धन ज्ञात कीजिए। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, समान समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पता हो तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने दर निकालने के लिए, वो बताया था कि सीआई माइनस एसआई बटा हाफ ऑफ एसआई अगुना 100 प्रतिशत में आ जाता है हमारा दर, तो ये फॉर्मूला बताया था कल ही। तो देखिए रेट निकाल लेते हैं, सीआई एसआई का अंतर 80 रुपया 60 पैसा और 80 रुपया में अंतर हुआ भैया 60 पैसा का। चलिए नीचे में एसआई का था तो 80 का था कितना जाएगा 40, और प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना करेंगे। अगर यहाँ से दशमलव हटाना है तो नीचे 100 हो जाएगा, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, 0 से 0 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 3/2 यानी कि 1.5% हमारा आंसर है। धन पूछा है तो पहले तो आप एक पता कीजिए एक बात कि ये तो आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है भैया रेट, तो रेट जब निकाला है 1.5% तो 2 वर्ष में 1.5 गुना 3% हुआ, 1.5 गुना 3% हो जाएगा हमारा क्या साधारण ब्याज, तो हम कहेंगे कि 3% का बराबर साधारण ब्याज 80 रुपया है ना, ये सही है वहाँ 80 रुपया 60 पैसा था 60, ठीक है 0 0 6 का था 3 4 का था 2 3/2 यानी 3% का वैल्यू 80, तो मूलधन निकाला है तो 100% का मान निकालिएगा, 80/3 गुना 100 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8000/3, इतना रुपया आपका हो जाएगा मूलधन। आइए अगला सवाल 25, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 900 रुपया 954 है, तो धनराशि क्या है। सवाल यहाँ पर है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है साधारण ब्याज भी है, तो पूछा है कि धनराशि क्या, पिछला सवाल जैसा ही है। तो पहले हम तो दर निकालेंगे, दर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला काम करेगा सीआई माइनस एसआई बटा में हाफ ऑफ एसआई और गुना 100, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम रेट निकालेंगे 954 और 900 में अंतर हो जाएगा ऊपर में 54 का और नीचे आधा एसआई का, एसआई का आधा, तो 900 का आधा कितना 450, और प्रतिशत के लिए हम 100% से गुना कर लेंगे। दोस्तों 0 से 0 कट गया, 9 5 45, 9 6 54, 5 2 10, 6 2 12, तो 12% आपका क्या निकल के आ गया दर। अब आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि साधारण ब्याज तो हमें 900 पता है ना, तो 12% के दर से इस 2 साल में 12 2 24% साधारण ब्याज हुआ, जबकि साधारण ब्याज कितना हुआ 900। अब हम 100% का मान निकाल लेते हैं, तो 900/24 गुना 100, ठीक है 4 से काटते हैं, 4 से कटा 6 बार में, 4 से कटा 25 बार में, चलिए 6 से 15 छक्का 90 150 बार में, 15 और 25 का गुना 37 50 375, चलिए 3750 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों 26 नंबर, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा था, उतने ही समय का साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल बना पाएंगे, रेट बराबर आप वही फॉर्मूला लगाइएगा सीआई माइनस एसआई बटा में हाफ ऑफ एसआई गुना 100%। तो इस टाइप के आज 2-3 सवाल हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा पीडीएफ का समस्या था, आप सभी लोग को पीडीएफ चाहिए था, तो आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं जो मैं अभी पढ़ाता हूं, ये प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ चाहिए क्योंकि टेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मतलब पीडीएफ चाहिए जो हम पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, नीचे लिखिएगा कि सर हां वही चाहिए, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मुझे ऑप्शन नहीं है, आपने अलग अलग पूछा और अलग अलग रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो में बोलिए अब बोलिएगा कि हां सर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ इसी के लिए चाहिए जो आप पढ़ाते हैं, तो चैप्टर वाइज हम देते जाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो में हम आपको बता देंगे कैसे मिलेगा, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।